वही जनपद चमोली के जोशीमठ नरसिंह मंदिर में वैदिक पूजा संपन्न होने के बाद शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इसके साथ ही गाड़ूधड़ा में भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी और बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल शुक्रवार को पुंडकेश्वर में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके तहत ही बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। भगवान नरसिंह मंदिर की पूजा अर्चना के बाद रावल जी ने ये पूजा अर्चना करने के बाद भगवान नरसिंह मंदिर के दर्शन करके माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद भगवान बद्री विशाल के देवनगरी के लिए प्रस्थान किया है। और आज अभी जो है रावल जी और ये जो गद्दी यहाँ से पांडुकेश्वर में जाएगी, जहाँ पे कि उद्धव जी और कुबेर जी की पूजा होती है। और कल प्रातः 11 बजे वहाँ से रावल जी, उद्धव जी और कुबेर जी डेली भगवान बद्री विशाल के लिए प्रस्थान करेगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है। और कल परसों 12 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलेंगे। बहुत उत्साह है, बीकेटी से की पूरी तैयारी है। जितने भी लोग जो भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन कराएंगे सबके पूरी पूरे भगवान के दर्शन कराएंगे। जितने भी लोग यहाँ पे पहुंचेंगे सबको भगवान के बद्री विशाल के बढ़िया दर्शन होंगे।